टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईफोन के बारे में, या फिर हम बोले तो एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसपे हम ज़्यादा फोकस करेंगे आईफोन के लिए। तो देखिए, जो आईफोन है वो एक महंगी चीज़ है, और आपने कभी ना कभी आईफोन खरीदा होगा, या फिर आप प्लान कर लोगे एक नया iOS यूजर बनने का या फिर एप्पल यूजर बनने का। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि आईफोन खरीदा यार इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक आईफोन खरीदने के लिए आपको 50,000 से 1,00,000 के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और सोचो, अगर आपने 50,00,000 से 1,00,000 के बीच में इन्वेस्ट किया एक फोन खरीदने के लिए, और अगर वो फोन नकली निकल गया तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ऐसे लोग जो आपको ऐसे फोन बेचते हैं, जो नकली फोन बेचते हैं, उनके पास इतना जुगाड़ होता है कि कल को आप उनको क्लेम करने भी जाओगे कि भाई ये फोन तूने दिया था, तो वो बोलेंगे नहीं हमने तो बेचा नहीं था। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब कि जो आपके मेहनत के पैसे थे, जो आपने इतनी मुश्किल से पैसे कमाए थे, और जो आपकी उम्मीद थी एक एप्पल गैजेट के साथ, वो यहाँ पे हो जाएगी खत्म। देखिए, यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल के आता है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कितना जेन्युइन है ये कैसे पता करें। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई आईफोन खरीदा है या एप्पल का कोई भी गैजेट खरीदा है, ये सारे एप्पल के प्रोडक्ट लाइन में अप्लाई होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप आईफोन खरीद रहे हो और अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो फोन है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो उसका क्या तरीका है। ये बात इसलिए निकल के आई क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी लोगों की कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने फोन खरीदा है या जो आईफोन वो यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ अलग टाइप की चीज़ फील होती है, या बहुत सारे लोगों को वहाँ पे क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे एक लिंक है, इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मेंशन किया है, तो आप इस लिंक पे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आईफोन है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कब खरीदा गया है, उसकी वारंटी कब से कब तक वैलिड है, और वो एप्पल की तरफ से है या फिर किसी ने एंड्रॉइड का फोन को कॉपी पेस्ट बना के आपको उसमें iOS का लॉन्चर चिपका के दे दिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना फोन खोलना है, उसके बाद आपको जाना है आपकी सेटिंग में। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा एक जनरल का टैब, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएंगे आपको। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट टैब पे, और अबाउट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी आपके फोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बस एक इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करना है, वो है आपका सीरियल नंबर। तो मैं देखता हूँ मेरा सीरियल नंबर कहाँ है, ये रहा, ये मैंने सीरियल नंबर पे क्लिक किया, ये मैंने सीरियल नंबर को कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे जाना है गूगल पे या अपने किसी भी ब्राउज़र पे, और वहाँ पे मुझे सर्च करना है मोस्टली आप ये कीवर्ड लिखोगे तो सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा, अगर लिंक नहीं आएगा तो मैं एक डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके ये सब क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, ये पेज खुल गया, सिंपल एक छोटा सा पेज है एप्पल की तरफ से जो जेन्युइन पेज है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ आती है एंटर सीरियल नंबर, तो मैंने भाई सीरियल नंबर डाल दिया जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था, वो मैंने ये लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरा सीरियल नंबर यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे ये कोड डालना है, तो कोड भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि जो कैप्चा है वो सही रहना चाहिए, अगर गलत हुआ तो फिर आप आपको बार बार भरना पड़ेगा। तो ये मैंने सारी डिटेल यहाँ पे डाल दी है, सीरियल नंबर और कैप्चा डाल दिया। अब मैंने किया कंटिन्यू, ओके, इसके बाद क्या रहा है, सॉरी देखो ये यहाँ पे फिर से भंट हो गया, मैंने बोला था कि कैप्चा ढंग से डालना होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये मैंने अभी फिर से कोशिश करी, ये हो गया बिल्कुल सही, ठीक है, अब देखते हैं। ओके, तो उसके बाद ये पेज निकल के आता है आपके सामने, जिसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो आईफोन है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है कि अगर इस पेज पर आपका आईफोन नहीं दिखता है आपके कोड डालने के बाद भी, तो फिर आप कह सकते हो कि आपका जो फ़ोन है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका जो आईफोन है जेन्युइन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना सबमिट योर प्रूफ ऑफ परचेज ऑनलाइन डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका फ़ोन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जो आपका बिल है ओरिजिनल, जहाँ से आपने परचेस किया है, वो बिल को यहाँ पे अपलोड करिए, और फिर ये और डिटेल्स जो मांगेगा वो भी इसको प्रोवाइड करिए। तो एक से दो दिन लगता है ये फिर चेक करके बताता है कि आपको जो आईफोन है जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये फ़ोन यहाँ पे दिख जाता है ये सीरियल नंबर और कैप्चा डालने के बाद, अगर आपको आपका फ़ोन यहाँ पे दिख जाता है, तो मतलब आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो एप्पल की तरफ से बनाया गया है और एप्पल की तरफ से ही सेल किया गया है, क्योंकि एप्पल के सर्वर में आपके फ़ोन का जो सीरियल नंबर है वो रजिस्टर्ड है। उसके साथ ही यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा वैलिड परचेज डेट, मतलब इसको पता है कि ये फ़ोन कब खरीदा गया है। टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे आपका एक्टिव है, और उसके साथ जो रिपेयर एंड सर्विस कवरेज है, मतलब कि आप चेक करना चाहते हो कि आपकी जो वारंटी है वो कब तक वैलिड है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड एक्सपायरेशन इज 3 जनवरी 2019, मतलब 3 जनवरी 2019 तक मेरा जो फ़ोन है वो एप्पल के अंदर आएगा। कोई भी इसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर आता है, कोई भी सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो मैं एप्पल पर डायरेक्टली जाके फ़ोन को सबमिट कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस फ़ोन को ठीक करा सकता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है, इससे आप पता कर सकते हो कि जो भी फ़ोन आपने ख़रीदा है या आपने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक आईफोन को ख़रीदने में, वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर बात करें और भी एप्पल प्रोडक्ट्स की, तो ये सेम पेज खोलना है आपको और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर देना है। कोई भी प्रोडक्ट आपने एप्पल का ख़रीदा है, एप्पल ने सिंगल पेज बनाया हुआ है जहाँ पर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एप्पल अगर आप खरीद रहे हो, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उसकी वारंटी कैसे चेक कर सकते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हो कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, जहाँ पे आपने पैसा डाला है, वो चीज़ जेन्युइन आपको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो इसके साथ ही भाई एक काम कर लो कि आपके जो दोस्त मित्र यार बंधु जो भी है जो आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो ऐसे किसी भी लूप होल में ना फंसे या कोई भी ऐसे हॉक्स में ना फंसे जहाँ पे उनको ऐसा फेक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।